दोस्तों, एसबीआई के कस्टमर्स के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स के लिए आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं। वो ये कि अगर आप एसबीआई का ऐप मोबाइल में यूज कर रहे हो, एसबीआई फ्रीडम नाम का जो ऐप है एसबीआई का, वो यूज कर रहे हो, तो अब ये बंद होने वाला है। 1 दिसंबर 2017 से ये जो ऐप है ये काम करना बंद होने वाला है। तो इसके जगह पर जो रिप्लेसमेंट है वो एसबीआई एनीवेयर पर्सनल, SBI ANYWHERE पर्सनल, PERSONAL पर्सनल नाम का ऐप इसके जगह पे आ चुका है। तो जैसा कि मुझे मैसेज आया है SBI की तरफ से कि SBI फ्रीडम नाम का जो ऐप है वो 1 दिसंबर 2017 से डिसकंटिन्यू हो रहा है और उसकी जगह पे SBI एनीवेयर पर्सनल ने जगह ले ली है। तो शायद आप 1 दिसंबर 2017 से SBI फ्रीडम में लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो आपको करना ये होगा कि आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना होगा, वहाँ पे SBI एनीवेयर पर्सनल नाम का ऐप ढूंढना होगा टाइप कर सर्च में, और वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। ओके, सेम नाम के दो ऐप तो नहीं हो सकते हैं, फिर भी थोड़े बहुत स्पेलिंग चेंज करके आपको सेम नाम के दूसरे ऐप भी मिल सकते हैं। तो लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि उसके नीचे जो पब्लिशर का नाम है वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। ये जो ऐप है ये 21 MB का है आज के डेट में। ओके, तो इसको आपको इंस्टॉल करना होगा, और वहाँ पे जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, इसको ओपन करोगे, वहाँ पे आपको 3 बटन आएंगे। पहला बटन जो आएगा एग्जिस्टिंग एनीवेयर यूजर का आएगा, दूसरा जो आएगा एग्जिस्टिंग फ्रीडम यूजर, तीसरा जो आएगा न्यू यूजर। तो अगर आप फ्रीडम को पहले से यूज कर रहे थे, फ्रीडम ऐप SBI का पहले से यूज कर रहे थे, तो आपको दूसरे बटन में जाना होगा। वहां पे आपको जो सेम लॉगिन नेम और पासवर्ड आप यूज करते फ्रीडम में, वही लॉगिन नेम और पासवर्ड आपको डालना होगा। अगर आप एनीवेयर यूजर पहले से हो तो आपको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और तीसरा, अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको इस बटन में जाना होगा, थर्ड बटन में। लेकिन आप याद रखिए कि अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको तो प्रोसीजर शायद पता होगा SBI का, आप डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करके आप डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, आपको बैंक में जाना होगा। अगर आप नए यूजर हो, पहले बार यूज कर रहे हो, तो आपको बाकायदा मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा फोन बैंकिंग के लिए, और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर कर देना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपको मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट करना है, तब जाकर के आपको 10 दिन 15 दिन या 7 दिनों में आपको ये ऐप का एक्सेस मिल पाएगा, आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी अपने SBI बैंक के बारे में, जो कि मुझे लगा कि अपने हिमनटेक के फैमिली को, दोस्तों को, यूजर्स को, व्यूअर्स को बताना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं इसी तरह के साइंस और टेक्नोलॉजी के अपडेट्स और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको जरा सा भी साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यूट्यूब का टेक्नोलॉजी चैनल हिमनटेक। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।